Asalaamu Alaikum everyone, I'm Zubair Salim and we are going to solve a question from summer 2019. It's a question on consolidations, Bahamas Limited. So let's talk about what is in this question. So, guys, uh, we have three financial statements of BL, OL, and CL, or 31st December 2018 is the year end.

एक दो लाइन और भी छोड़ लेनी चाहिए तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट ओपन कर लेना चाहिए इन द सेम वे शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम सरप्लस ऑन रिवैल्यूशन देखिए जी रिवैल्यूशन सरप्लस उसने सेपरेटली बनाया हुआ है तो मैं जो करता हूँ मैं सेपरेट ही रखता हूँ इसको बट कुछ लोग Uh, कुछ टीचर्स क्या करते हैं रिवोल्यूशन को रिटेन अर्निंग को कंबाइन करके इसे कंसोलिडेटेड रिजर्व का नाम दे देते हैं ठीक है अगर आप कंबाइन करके लिखना करना चाहते हैं कर लें सेपरेट रखना चाहते हैं तो सेपरेट एग्जामिनर ने भी सेपरेट रखना शुरू कर दिया है अब सो आई डू आई कीप सेपरेट रिवोल्यूशन और रिटेनर्निंग को लेदर ही रखूंगा मैं तो सबसे पहले गाइज मैंने एक फॉर्मेट ओपन कर लिया एक्चुअली मैंने कॉपी किया इन जस्ट टू सेव टाइम बट ऑब्वियसली यू हैव टू ओपन द फॉर्मेट

what we need to do obviously we'll start to read the question or adjustment one se hum log start karenge so let's see the question uh, adjustment one mein kya on first jan 2015 bl acquired sir aap hain 2018 mein और ये बात है first Jan 2015 की तो 15 पूरा गुजर गया 16 पूरा गुजर गया and 17 भी पूरा गुजर गया और 18 भी चार साल पहले आपने इस company को acquire किया था

बिल्डिंग रिमेनिंग करना है अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ना हुई तो आपने फिर वैल्यूज भी करनी है अब वॉट इज ने अगली एडजस्टमेंट जब मैंने पढ़ी तो वो क्या कह रहे है इमीजिएटली आफ्टर एक्विजीशन इमीजिएटली आफ्टर एक्विजीशन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग पोस्ट पीरियड ड्यूरिंग पोस्ट पीरियड क्या हुआ है दिस इज इंटरेस्टिंग

बस गलती ये हुई है कि वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो प्री की थी वो हो गई है लेकिन हुई कब है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पोस्ट में ये पोस्ट में हो चुकी है अब कुछ लोग थोड़े परेशान हुए होंगे कि सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो हमने करनी होती है बिल्कुल हमने करनी होती है देखें एक है बी एल पेरेंट ये पेरेंट है। एक है ओ एल एक सब्सिडरी ये सब्सिडरी है देखें ये इंडिविजुअल देखे, बुक्स हैं इंडिविजुअल बुक्स हैं इंडिविजुअल बुक्स हैं आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल जब बनाते हैं तो आप यहां पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करते हैं आपको चाहिए ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक्विजिशन डेट पे ये थ्री हंड्रेड का गेन एक्विजिशन डेट पे है अब मैंने एक्विजिशन डेट पे लिखना है बट इस इंडिविजुअल कंपनी ने कहा यार कि मेरा पेरेंट तो रिवोल्यूशन पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो मैं भी रिवोल्यूशन पॉलिसी फॉलो करूंगी सब्सिडरी ने कहा बट ऑब्वियसली उन्होंने डिसीजन आफ्टर एक्विजिशन लिया है तो वो गेम जो कि मेरे नजदीक कंसोलिडेशन में एक्विजिशन डेट के थे ओएल सब्सिडरी ने उन्हें लिख लिया है लेकिन पोस्ट एक्विजिशन उन्होंने रिवोल्यूशन कर दिया सो so, यहाँ पे पोस्ट से निकाल के प्री में लाना है

लेकिन यार ये रिटेन में प्री कितना है पोस्ट कितना? This is interesting. We don't know. तो इसका मतलब ये है कि जब तक तक आपको नेट रेट के नहीं नहीं पता चलेंगे, तब तक आप यहां से पोस्ट रिटेन नहीं निकाल सकते। so, सर in मतलब मेरे बच्चों कंसिडरेशन हमारे पास है सो वी कैन राइट कंसिडरेशन

तो so so, कैलकुलेट so, uh, कर सकते हैं एक्चुअली हम पोस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्री तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए चाहिए होते हैं और वो हमारे पास ऑलरेडी हैं बट ऑल्डो हमें एनसीए की वैल्यू के लिए भी चाहिए होते हैं तो सिक्सटी हमें मिल गए अब मेरे भाइयों क्या करना चाहिए अब हम लोग सब्सिडरी के नेट एसेट्स में लिखने लगा हूँ यहाँ पे प्री नेट एसेट्स मुझे रिटेन अर्निंग्स चाहिए प्री बस तो सर आप सबको पता है कि शेयर कैपिटल हमेशा प्री ही होता है तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल ये 5000 प्री है ये लेंस देन वी हैव हाँ शेयर प्रीमियम शेयर प्रीमियम भी हमारे पास प्री ही होता है टू है ये लें रिवेलेशन सरप्लस मुझे पहले ही पता है ये पोस्ट है ये तो प्री है ही नहीं ओके अब मुझे क्या करना है सर मुझे रिटेन रिटेन लिखनी है, but I don't know कि कितनी प्री यही तो मैं कैलकुलेट करने एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी आपके पास कितनी फेयर वैल्यू गेन था जो कि प्री का पार्ट बनना चाहिए था 300 ये भी बन गया इन सब को मिला के आपके पास आया होगा सब्सिड्री गट एसे

एक्विजिशन रेट पे 700 अगर पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब है 2300 पोस्ट होती हैं। लेकिन ये तो नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि टोटल 3700 जो है वो पोस्ट हैं हमें पता है ये 3000 प्री पोस्ट के इक्वल होते हैं इसका मतलब ये है कि प्री अगर नेगेटिव 700 है तो पोस्ट कितने हुए होंगे कि ये 3000 के इक्वल आ जाएं तो ऑब्वियसली इट वुड बी 3700 तो हमारे पास बच्चों पोस्ट रिटेन अर्निंग्स भी आ गई है 3700 अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे इसको पोस्ट को वर्किंग टू पार्ट बी में लेके चले जाना चाहिए जहां पे मैं पोस्ट की कर रहा हूं। दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कैलकुलेट तो कर लेना चाहिए हमारी गुडविल की वर्किंग कुछ इस तरह की बनेगी कि फिफ्टी फोर हंड्रेड कंसिड्रेशन है हम लोगों ने सारे लिख लेनेड्रेड We have around, uh, आपके पास है 450 जो गिवन थी और यहाँ पे हम लोग एनसीआई की वैल्यू किस तरह निकालते हैं प्रोपोर्शन शेयर में एनसीए की वैल्यू सिक्स 60, भी ये भी वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू कितनी आ रही है लेट्स तो ये आ गया जी सिक्सटीन फिफ्टी ये एनसीआई की वर्किंग में भी आपने लेके जाना है और पोस्ट की चीजें आपको मिल गई हैं रिटेन अर्निंग भी मिल गई हैं और रिवल सरप्लस भी मिल गया ऑफ ओए तो ओएल की पोस्ट में जाके ये एडजस्टमेंट्स लिख देते हैं तो मैं आया हूँ यहाँ पे ओएल में रिवोल्यूशन रिजर्व सब्सिडरी पोस्ट यहाँ पे जो सब्सिडरी पोस्ट आएंगी रिटेन अर्निंग्स थर्टी सेवन हंड्रेड है वर्किंग का रेफरेंस दे दें पोस्ट करें कि ये वर्किंग फोर थी हमारी जिस जो हमने अभी परफॉर्म की है और रिवोल्यूशन सरप्लस जो है दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड ये सरप्लस है एक डबल एंट्री थी जो मैंने पास की थी डेबिट रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रेडिट गेन ये तो सिक्सटी सिक्स हंड्रेड का पार्ट बन गया गुडविल की कैलकुलेशन में बट दिस थ्री हंड्रेड हम कराना है, पोस्ट में से तो इसको मैं कहता हूँ किया आप लोगों ने फ्रॉम पोस्ट टू प्री तो पोस्ट में से ये थ्री हंड्रेड आप लोगों ने यहाँ से माइनस किया और ऑब्वियसली गुडविल की कैलकुलेशन में आप लोगों ने जाके क्या कर दिया था एड सो दिस वॉज एडजस्टमेंट गाइज आपके पास ये एडजस्टमेंट बनी पहली दो एडजस्टमेंट्स का नेट रिजल्ट जो है वो है वो ये अभी तक हमने दो एडजस्टमेंट किए ना ये गुडविल गुडविल जानी है गुडविल की कैलकुलेशन आपकी बैलेंस शीट में बट ऑब्वियसली ऑब्वियसलीर इज अ प्रॉबेबिलिटी आगे चल के लॉस आ जाए तो मैं अभी इसको बैलेंस शीट में नहीं लिख रहा है एंड पे लिख दूंगा अब नेक्स्ट क्या है जी जरा अंडरस्टैंड करते हैं

इसका मतलब यह है ये है कि ये कंपनी फर्स्ट जन 2017 पे आपकी एसोसिएट थी पेरेंट ने एसोसिएट बनाया सीएल को फर्स्ट जन 2017 में दिस इज इंटरेस्टिंग 35 परसेंट एसोसिएट ऑन फर्स्ट जन 2018 अगली एडजस्टमेंट फर्स्ट जन यानी एक साल बाद ओएल एक्वायर 25 फाइव परसेंट शेयर ऑफ सीएल। ओएल हमारी सब्सिडरी है हमारी सब्सिडरी ने भी खरीद लिए सी में तो सर इसका मतलब यह है कि जो ग्रुप स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरह बन रहा है कि बी एल ने खरीदा है ओ एल को ले जी ओ एल को खरीद लिया बी एल ने सेवेंटी फाइव परसेंट ऊपर परसेंटेज गिवन थी और बी एल ने फिर खरीदा किसको खरीदा जी बी एल ने खरीदा सी एल को कितने परसेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो थर्टी फाइव परसेंट है लेकिन कब की है फर्स्ट जैन टू थाउजेंड से टू थाउजेंड सेवन में ये एसोसिएट बन गई सब पेरेंट की एसोसिएट थी ओ एल साहब को एक साल बाद याद आया कि ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर में भी खरीद सकता हूं तो इसने ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर्स खरीद लिए फर्स्ट जैन टू थाउजेंड एटीन में टू थाउजेंड एटीन में इसने ट्वेंटी फोर परसेंट शेयर्स और खरीद लिए सर अब हमने देखना है कि स्टिल एसोसिएट है या सबसे ड्रीम स्टेटस चला गया उसका हल ये होता है कि आप डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट्स एज इट इज देखें थर्टी फाइव परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट तो अगर आप थर्टी फाइव और प्लस ट्वेंटी फोर परसेंट देखें तो ये मिला के बनते हैं एग्जैक्टली फिफ्टी नाइन परसेंट इसका मतलब ये है कि भाईजान ये कंपनी आपकी बन गई है सब्सिडरी सो दिस कंपनी इज सब्सिडरी लेकिन बड़ा मजेदार काम हुआ है. ये एसोसिएट थी पूरा एक साल इसका मतलब ये है कि एसोसिएट से सब्सिडरी पे शिफ्ट हुई है एसोसिएट टू शिफ्ट हुई है ये सबसे पहला काम और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी है कॉम्प्लेक्स कि थर्टी फाइव परसेंट इन्वेस्टमेंट पेरेंट नेक्वायर की हुई है डायरेक्ट है और इनडायरेक्टली जो आ रही है वो ट्वेंटी फोर परसेंट वाया ओ एल आ रही है तो कॉम्प्लेक्स विद पीस एक्विजिशन है तो बड़ा आसान सा काम है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है थर्टी फाइव परसेंट को पुरानी ओल्ड इन्वेस्टमेंट है ओल्ड इन्वेस्टमेंट है तो इसको आप ने लेना है कंट्रोल तो 2018 में आया तो जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है आप उसकी फेयर वैल्यू ले लेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ 35 परसेंट चाहिए आपको यही पढ़ा था पीस में क्विजिशन में पुरानी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू लेनी होती है अपने

अब आपने क्या करना है सर ये जो चौबीस परसेंट आज आपने लगाया है तो आज जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो एज इट इज ले लेने हैं आपने यानी के जनवरी दो हजार अठारह की चौबीस परसेंट एज इट इज लेने बट द पॉइंट इज कि ये सारे तो नहीं आने इसका सेवेंटी फाइव परसेंट सिर्फ पेरेंट से बिलोंग करता है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले आप बट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly जो भी इन्वेस्ट किया आपने उसका पेरेंट को जाएगा गुडविल की कैलकुलेशन में जाएगा और और उसका जो ट्वेंटी वो एनसीआई की वर्किंग में से जाके माइनस होगा सो so तो ये ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप की वजह से है कि जो सबसिडरी ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट का सेवेंटी फाइव परसेंट पेरेंट का पेरेंट गुडविल में लेके जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट एनसीआई में जाना चाहिए तो सर इस इन्वेस्टमेंट को आपने बांटना है सर ये काम करना है एनसीआई पीसमी एक्विजिशन भी हो गया कि पुरानी इन्वेस्टमेंट की आपने फेयर वैल्यू ली है उस पर गेन लॉस भी कैलकुलेट हुआ और कॉम्प्लेक्स भी अप्लाई कर दिया कॉम्प्लेक्स सिर्फ इतना ही है फिर आप लोगों ने क्या करना है सर आप लोगों ने यहाँ पे एनसीए लिखना है एनसीए प्रोपोर्शनेटेड शेयर है वो नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखना है लिख लें और फिर आपने सब्सिडी नेट एसेट्स लेने अब इफेक्टिव जो होल्डिंग बन रही है आपकी वो कितनी है अगर आप डायरेक्ट होल्डिंग देखें तो डायरेक्ट होल्डिंग हमारी बन रही है ये डायरेक्ट होल्डिंग की फेयर वैल्यू लेनी है आप लोगों ने तो डायरेक्ट बन रही है थर्टी फाइव परसेंट बट वट इज इन डायरेक्ट अबाउट इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है Sir, obviously 24 का 75%. इसका मतलब यह है कि ये बना अब 18 plus 35 will give you exactly 53%. तो 53 आपकी effective holding है एनसीआई को जो शेयर देना है आप लोगों ने दैट वुडी तो जब आप वर्किंग टू पार्ट भी बांटेंगे

बीएल ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं बीएल ने जो इन्वेस्ट किए हुए हैं वो ट्वेल्व ट्वेंटी सी एल में सर लेकिन ये वैल्यू तो फर्स्ट जन टू थाउजेंड की है इसका मतलब है ये तो आप गुडविल की कैलकुलेशन में नहीं लेके जाएंगे ये कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है ऑब्वियसली थर्टी फाइव परसेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है ये तो आप नहीं लेके जा सकते ये तो एक साल पुरानी वैल्यू है सो so, सर आपको क्या चाहिए सर आपको चाहिए 2018 की वैल्यू और ये जो भाईजान है ना ये इन्होंने जो चौबीस परसेंट के लिए पैसा लगाया है ना ये चौबीस परसेंट के लिए पैसा इन्होंने फर्स्ट जैन 2018 पे लगाया पे लगाया एग्जैक्टली एक्विजिशन डेट पे इसका मतलब ये है कि इसको यूज करके इस 24 परसेंट को जब आपने ये जनवरी 2018 में खरीदे होंगे 24 पे मिले उस दिन की फेयर वैल्यू ही होगी तो ये 24 की आपको गिवन है, आप इसी को यूज करके फेयर वैल्यू सर तो पुरानी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी इंटरेस्टिंग है नाइन रिफ्लेक्ट कर रहा है 24 की वैल्यू को, तो ये ट्वेंटी से डिवाइड हो गया मीन पॉइंट से मल्टीप्लाई बाय मुझे थर्टी फाइव परसेंट की फेयर वैल्यू चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री फाइव कर दूंगा तो इसको यूज करते हुए चौबीस परसेंट की जो कॉस्ट थी वही मेरी फेयर वैल्यू है उसको यूज करते हुए मैंने क्या कैलकुलेट कर ली मैंने फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो ये फेयर वैल्यू मैं लेके आऊंगा यहाँ पे और दूसरी तरफ ये वैल्यू मैं लेके जाऊंगा प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल की कैलकुलेशन में वो अभी लेके जाते हैं अब ये जो कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी फोर परसेंट है ये तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें परसेंटेज लगानी है आपने बी एल की जो ओ एल में है तो सेवेंटी फाइव परसेंट आप इसका लेंगे सर तो जो आपकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी वो किस तरह आएगी प्लीज जरा देख लें सेवेंटी फाइव परसेंट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी जो भी टोटल है तो टोटल है नाइन वन टू तो ये नाइन वन टू पे आपने सेवनटी फाइव परसेंट ओनली पेरेंट शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट गुडविल की कैलकुलेशन में आएगी तो ये अमाउंट कितनी आएगी सर ये अमाउंट आ रही है एग्जैक्टली फाइव परसेंट है बाकी जो ट्वेंटी वो किधर जाएगा सर वो एनसीआई की वर्किंग में जाएगा अभी थोड़ी देर में भेज देते हैं हम आप पे नाउ व्हाट अबाउट नेट एसेट्स सर नेट एसेट्स गिवन है शेयर कैपिटल आपको प्री ही होता है एक्विजिशन डेट का होता है शेयर कैपिटल

जनवरी 2018 में ये तो पुरानी कंपनी खरीदी हुई है हम कैलकुलेट कर रहे हैं सी की तो सी की ट्वेल्व आ रही है आपके पास रिटेन अर्निंग्स प्री अब मुझे यहाँ से ये भी पता चल गया कि जो पोस्ट आ रही हैं अगर 1200 हंड्रेड फ्री है तो जो पोस्ट हैं वो 800 होंगी तो अब मैंने क्या किया मैंने इन नेट एसेट्स को इकट्ठा कर लिया जब मैं इन नेट एसेट्स को टोटल करूंगा तो मेरे पास नेट एसेट्स आएंगे 3500 फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव हंड्रेड नेट एसेट्स आए अब आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं अब मैंने क्योंकि net assets 100 लिखे हैं, तो मुझे NCA की value भी ऊपर लिखनी पड़ेगी अब क्या आ रही है की value? 3500 का, अगर आप ले लें, कितने NCA कितने है? सर द आंसर इज एनसी सेवन परसेंट है तो 47 परसेंट जब आप यहाँ पे लेंगे तो सर आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट वुड बी एग्जैक्टली 1645. हैं। CL के हर लगाया। CL की एक एक चीज आप फोर्टी सेवन फिफ्टी थ्री परसेंट बांटेंगे आप कुछ लोग कहेंगे सर फिर इन्वेस्टमेंट का आपने सेवन परसेंट क्यों लिया सर इसलिए लिया कि इन्वेस्टमेंट तो ओ एल की है और ओएल में बी एल जो है वो सेवेंटी फाइव परसेंट है इसलिए लिया ओके okay, इसी का इस तरह भी लेंगे आप एनसीए में अब मेरे आ अब मुझे क्या करना है मुझे ये में जानी है और इसमें से तो आए इसका जो नाइन वन टू गट ट्वेंटी वो मैं एनसीए में लेके जाऊंगा सो लेट्स टेक दीज वैल्यूज टू वर्ड एनसीआई जी आपकी आएगी सिक्सटीन फोर्टी फाइव ये जी सिक्सटीन फोर्टी फाइव एक्विजिशन डेट की वैल्यू है नहीं तो ये एक्विजिशन डेट पे एन की वैल्यू है ये अमाउंट आएगी आप लोगों के पास ओके सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ अब सर आप लोगों के पास सब्सिडरी पोस्ट भी पता चल गई है सब्सिडरी पोस्ट जो थी वो एट हंड्रेड थी सी की रिटेन अर्निंग्स तो ये भी आप लोगों ने इधर लिख ली अब आप लोगों के पास सिर्फ ट्वेंटी जो शेयर रह गया नाइन का ट्वेंटी लेट मी कैलकुलेट दिस 912 का 25% एनसीए मैं लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 228 तो सर ये एनसीए शेयर इन इन्वेस्टमेंट इधर से आके क्या हो जाएगा माइनस एनसीए शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ से माइनस हो जाएगा जो भी एनसीए की वैल्यू आएगी उसमें से ये 228 माइनस हो जाएगा सर ये लेंदी दिस 228 इज गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एनसीए

तो सर आपको पता है पुरानी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू हम लोगों ने निकाली थर्टीन थर्टी ये अब मुझे क्या करना है मुझे कैरिंग वैल्यू निकालनी है so, सो कैरिंग वैल्यू कैसे निकलेगी एसोसिएट के तरीके से कैरिंग वैल्यू निकलेगी कॉस्ट आपके पास आ रही है कॉस्ट कितनी थी जब आपने पैसे लगाए थे तो कितने लगाए थे बारह बीस तो सर कॉस्ट है बारह बीस ये बारह बीस की कॉस्ट है प्लस पोस्ट एक्ट का शेयर लेना है आपने प्लस पोस्ट एक्ट का शेयर लेना है तो लेट्स सी जी के पोस्ट एक्ट का शेयर कितना है पोस्ट एग का शेयर कितना है जी जब कंपनी को एक्वायर किया था थर्टी फाइव परसेंट तब रिटेन अर्निंग सेवन हंड्रेड थी और जब ये सब्सिडरी में कन्वर्ट हुई तब थी ट्वेल्व हंड्रेड इसका मतलब है 500 सौ का इंक्रीज आया था इस पूरे टाइम में तो 500 सौ में से कितने परसेंट पेरेंट के पास था एसोसिएट का थर्टी फाइव परसेंट तो ये बनेगी एसोसिएट की कैरिंग वैल्यू

ठीक है अदरवाइज सही तरीका जो है वो ये है अगर कोई इंडिविजुअल पार्ट में आ जाए फोर टू फाइव मार्क्स एक्सप्लेनेशन में तो दिस इज द वे आपको जिस तरह सॉल्व करना है जो मैंने किया है बहरअल आंसर सेम है इसलिए इट ड मेक एनी डिफरेंस अब आ जाए जी वट इज नेक्स्ट एडजस्टमेंट अब हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मेरे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि ये क्या है On 1st March 2017, BL, which is parent, enters entered into an agreement with Romania Limited to set up a Persian Limited, a joint arrangement. Joint arrangement, ab joint arrangement का हमें ye नहीं पता होता कि joint arrangement is the joint operation or joint venture. अब ये चीज होती है जो आपने अंडरस्टैंड करनी थी और एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली ये कुछ बातें थी जो आपको पता भी नहीं चली कि ये क्या होना चाहिए इट कुड बी जॉइंट वेंचर एंड इट कुड बी जॉइंट ऑपरेशन अब कौन सी लाइन है जिससे ये अंदाजा लगाना था लेट्स अंडरस्टैंड है नेट एसेट्स जब नेट एसेट्स में शेयर होता है जब आपका नेट एसेट्स में शेयर होता है तो मेरे भाइयों आपका ज्वाइंट वेंचर होता है पहला पॉइंट जब आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना लेते हैं विच इज लिमिटेड कंपनी पर्शियन लिमिटेड एक सेपरेट एंटिटी बना लेते हैं तो तब भी

ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने यहाँ पे भी उठाए थे शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट्स जो पोस्ट नेट लूंगा तो ये काम मैंने करना है यहाँ पे भी अब जरा और करें दिसंबर दो हजार अठारह फिक्स एसेट्स एंड करंट 220 मिलियन सर मजे की बात यह है कि आपके एट हंड्रेड नेट एसेट्स हैं आपके फोर हंड्रेड नेट एसेट्स हैं और आपके टू ट्वेंटी नेट हैं तो ये सारे नेट एसेट्स हुए हैं ईयर एंड पे और आपने पैसे लगाए कितने थे दिस इज रियली इंटरेस्टिंग ये कंपनी आप बना रहे हैं आप तो जब कंपनी आपने बनाई थी तो आपने इसमें नेट एसेट्स लगाए होंगे तो ये आगे नेट एसेट्स एट एक्विजिशन जितने पैसे आपने लगाए हैं इस कंपनी के लिए

तो देखें हमने पर्शियन लिमिटेड में पैसा लगाया था 360 जो के 60% को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि दिस अमाउंट ऑफ 360 ये 60% इन्वेस्ट हुआ था यहाँ पे तो 360 इधर आ गया था अब 40% कितना होगा यानी रिमेनिंग लोगों ने कितना पैसा लगाया होगा तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 60 तो ये आपने काम कर तो सर ये आगे 240 मिलाएंगे तो ये 600 लेंदी नेट एसेट्स कंपनी शुरू हुई थी 600 के नेट एसेट्स के साथ आज इसके नेट एसेट्स 980 हैं इसका मतलब ये है कि जो इंक्रीज आया दैट इज एग्जैक्टली 380 380 में आप 60 परसेंट हैं ज्वाइंट वेंचर में तो 60 परसेंट शेयर बनेगा इसका मतलब ये है कि 380 का 60 आप लेंगे दिस विल गिव यू टू अब डबल एंट्री बनेगी डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट सी आर ई यहाँ की जगह वेंचर है तो सर ये टू ट्वेंटी सी आर ई तो टू ट्वेंटी शेयर आ गया यहाँ पे तो दिस इज वेंचर शेयर ये भी आ गया यहाँ पे और कॉस्ट आपने लगाई थी गिवन थी आप लोगों को द कॉस्ट वॉज थ्री सिक्सटी ये ये भी इंफॉर्मेशन हो गई

Which were purchased from BL. Parents Parent sales buy बाइकिया. Total sales from BL to PL in 2018 amounted to 420 million, which were invoiced at a cost plus 25%. <laughs> हमने unrealized profit adjust करना होता है, guys. वो unsold goods के ऊपर होता है. इसका मतलब ये है कि 50 की unsold goods multiply by 25 over 125 would be unrealized profit. लेकिन लेकिन interesting बात ये है कि जब आप associates या joint ventures को deal कर रहे होते हैं, तो आपने सिर्फ अपना share pick करना होता है.

So this is going to be deducted from here. और आप सीआर में लेके जाएंगे ये 6, तो ये हमारा यहां से आके क्या हो जाएगा Less unrealized profit joint venture. तो ये लें सर ये आप लोगों ने काम करना था ये एडजस्टमेंट फाइनल होगी है सर थ्री सिक्सटी प्लस टू ट्वेंटी एट माइनस सिक्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी और ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है फाइव एटी टू सर दिस इज इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर जो मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा एंड फाइव एटी टूंगीट ये अमाउंट in so, आ रही है, 582. जो भी working है working का आप पे दे देंगे अब वॉट इज नेक्स्ट नाउ गाइज अब आगे देखते हैं फर्दर क्या एडजस्टमेंट है हम लोग ज्वाइंट वेंचर भी डील कर चुके हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड जी बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट जो मेजॉरिटी लोगों ने गलत की थी तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि ये एडजस्टमेंट क्या है सर ऑन फर्स्ट जन 2018 इस साल के स्टार्ट में ओएल एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम बीएल ओएल ने एक्वायर की है मशीन फ्रॉम बीएल ओएल हमारी सब्सिडियरी है तो सब्सिडियरी ने खरीदी है और पेरेंट ने ये दी है तो पेरेंट भाईजान ने ये बीएल को

ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज टेन परसेंट तो सर इसने क्या किया है देखें लेसर ने क्या किया है लेसर ने अपनी बुक्स में एसेड लिखा हुआ है तो उसी का एसेड है उसकी बुक्स में रहना चाहिए बट क्या अपने आप को कोई लीज पे बंदा प्रॉपर्टी दे सकता है सर पेरेंट सब्सिड्री को लीज पे दे रहा है इंडिविजुअल बुक्स में तो ठीक है सब्सिड्री बन गई लेसी पेरेंट बन गया लेसर बट वट अबाउट के, क्या ये लीज हो सकती है कंसोलिडेशन बुक्स में? सो सो इट्स नॉट यू यू नीड नीड टू टू रिवर्स रिवर्स ये जो भी एंट्रीज़ uh, पास हैं दिस है, उसमें गलती है, so so कैसे रिवर्स करना है so guys, ने एक एसेट बुक किया एसेट so right आपने उस राइट ऑफ यूज एसेट को खत्म करना और एक उसने किया, आपने उसको भी खत्म करना हुआ क्या होगा इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होगा आपने उसको भी खत्म करना है और इसके ऊपर आपने भी बुक की होगी आपने उसको खत्म करना है तो इन शॉर्ट शुरू उस दिन से जो एंट्रीज पास हुई है ना आपने उनको रिवर्स करना है तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है अगर आप इस तरह चलोगे तो होना यही चाहिए द इम्पैक्ट वुड बी सेम जो मैं मेथड करवाऊंगा वो जो एग्जामिनर ने भी फॉलो किया हुआ सर, लीज़ लीज़ नहीं है, तो लेसी ने एक एक्स्ट्रा एक काम किया जानना चाह रहा हूं कि आज मेरी बुक्स में कितने का एसेट पड़ा हुआ है वट वुड बी कैरिंग वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट और ये लैबिलिटी एक साल की इंस्टॉलमेंट के बाद आज कितने की लैबिलिटी बची पड़ी होगी तो इसका आसान सा हल क्या था देखें जी आप लोगों ने राइट ऑफ यूज एसेट कितने का बुक किया होगा मैं ये जानना चाहता हूँ हमारा राइट ऑफ यूज एसेट कितनी वैल्यू का बुक हुआ होगा आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म दिस वैल्यू अब अगर मैंने ये कन्फर्म करना है कि कितने का एसेट लाइबिलिटी आया होगा तो पहले लाइबिलिटी ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं देखें पहले दिन आप लोगों ने क्योंकि लीज थ्री ईयर्स किया ना तो आपने पहले दिन पर एम पेबल इन एरियज हैं तो आप लोगों ने पहले दिन तीन साल की प्रेजेंट वैल्यू लेके लाइबिलिटी बुक की होगी फिर इसमें से एक साल की इंस्टॉलमेंट जब एडजस्ट हो गई तो पीछे जो लाइबिलिटी बची होगी वो दो सालों की प्रेजेंट वैल्यू होगी तो इसलिए आसान हल ये था कि आज लाइबिलिटी कितनी पड़ी होगी बुक्स में ये ऐसे पता चल सकता था कि आप बड़े आराम से निकालते फोर हंड्रेड ये लेंदी फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट इंस्टॉलमेंट है आपकी वन पॉइंट वन इंटरेस्ट रेट इज टेन परसेंट वन पॉइंट वन जीरो रेज टू पावर माइनस टू कर लें सर एक साल कम क्यों लिया है सर आपने क्योंकि एक साल गुजर चुका है तो मैं सर रिमेनिंग लाइबिलिटी निकाल रहा हूँ ले जी अब ये आपके पास आया एक अमाउंट आई अब क्योंकि मैं एनविटी भी लगा सकता हूँ सो लेट मी पुट द एनविटी ताकि जरा जल्दी से सॉल्व हो जाए सो वन माइनस वन पॉइंट वन जीरो रेज टू पावर माइनस टू ये अमाउंट आ रही है जी आपके पास ओके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप लोग डिवाइडेड बाय करेंगे पॉइंट वन जीरो तो सर ये आपकी लाइबिलिटी बची हुई लाइबिलिटी है सो so ये एग्जैक्ट लाइबिलिटी जो आ गई है ये आ गई है सिक्स नाइनटी फोर ये लाइबिलिटी है सर जो आपके पास बच गई है अब कुछ लोग इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हुए होंगे तो वो क्या करें वो इस तरह करें कि फोर हंड्रेड लें ये ऑल्टरनेटिव वे है सर फोर हंड्रेड लें मल्टीप्लाई बाय पूरा अब वैल्यू लें आप वन पॉइंट वन जीरो रेज टू पार माइनस टू माइनस थ्री करें क्योंकि तीन साल है डिवाइडेड इसको ओपनिंग बैलेंस लें, 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 लें तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना बच्चों वो भी एक्जैक्टली exactly यही आएगा इस तरह भी कर सकते हैं आप ओके अब इस लाइबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर दें आप इस लाइबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर दें यू नीड टू रिवर्स दिस लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी को खत्म करना इस अ गुड थिंग तो मैं डेबिट करूंगा लीज लाइबिलिटी और क्रेडिट करूँगा मैं इनकम तो ये मैंने इनकम को क्रेडिट कर लिया अब आप परेशान होंगे सर इनकम को क्रेडिट क्यों किया सर यार नहीं करते इनकम को क्रेडिट लाइबिलिटी ख़त्म करोगे ख़त्म होगी बैठे बैठाए तो इनकम ही बुक होनी चाहिए लेकिन ना करें आप। आपको डिफरेंट तरीके से ये एडजस्टमेंट मैं समझाने की कोशिश करूँगा सो तो लेट्स ही जी सिक्स नाइन्टी फोर से ये करना है

तो पीछे बच कितना गया एक साल डेप्रीशिएट हो गया तीन में से तो टू बची पड़ी है ये कैरिंग वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपके एसेट की सो ये कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है सर दिस कैरिंग वैल्यू इज सिक्स सिक्सटी थ्री अब मेरे बच्चों इसको भी खत्म करना है तो मैंने इसको खत्म करने के लिए राइट ऑफ यूज एसेट को क्रेडिट किया तो ये सर राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट हो गया सिक्स सिक्सटी थ्री और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस और वो जो चार्ज हो चुकी है वो एग्जैक्टली exactly एक्सपेंस बन डेबिट बन के चार्ज हुई है तो वो आप क्रेडिट कर देंगे सो यू नीड टू क्रेडिट दिस और ये क्रेडिट करेंगे आप लोग एक्जैक्टली exactly कितनी अमाउंट से इन दोनों का जो डिफरेंस है सो लेट मी कैलकुलेट दैट अमाउंट और आप अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इस टेबल से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो जिसको आपने रिवर्स करना है तो एक्जैक्टली यही अमाउंट बनेगी नेट ऑफ ओके सो लेट्स सी जी यी कितना बन रहा है ये अमाउंट बन रही है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से सिक्स फोर माइनस करेंगे आप लोग सिक्स सिक्सटी थ्री तो ये अमाउंट आ रही है थर्टी वन सो यू नीड टू क्रेडिट सब्सिडरी पोस्ट क्योंकि ये सब्सिडरी की है ओ की एडजस्टमेंट है तो आपको सब्सिडरी पोस्ट को थर्टी वन से क्रेडिट कर देना चाहिए सर so एक तरीका ये था नेट करके कर लिया दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि टू इनकम करो और को आप लोगों ने खत्म करना है तो क्रेडिट डेबिट एक्सपेंस होगा नेट इफेक्ट यही आएगा आप लोगों का तीसरा तरीका ये है कि आप पूरी लाइबिलिटी डेप्रिसिएशन uh, लें डेप्रिसिएशन uh, की भी एंट्री रिवर्स करें इंटरेस्ट की भी करें और पहले दिन जो राइट ऑफ यूज यूजिलिटी बुक हुआ है उसको भी रिवर्स करें बट द नेट इफेक्ट वुड बी सेम

में से करना है। और लाइबिलिटीज में से आपने जो माइनस करनी है 694. तो लाइबिलिटीज में से सिक्स नाइनटी फोर आपने माइनस कर दी तो ये लाइबिलिटीज में भी माइनस हो गया एसेट में से भी माइनस हो गया नाउ यू नीड टू राइट आपके ओ की जो आपके हैं ये जी पोस्ट में से आप लोगों ने ये अमाउंट लेस करानी है तो लीज रिवर्सल जो हो रही है उसका जो इम्पेक्ट है दैट इज जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था दैट वाज थर्टी वन ये लीज रिवर्सल क्रेडिट हो रहा है जो एक्सपेंस तो ये थर्टी वन यहाँ पे आ जाएगा एग्जामिनर ने क्या किया हुआ एग्जामिनर ने लैदा लैदा लिखा हुआ है तो उसने दो एंट्रीज बनाई है तो उसने सिक्स नाइनटी फोर क्रेडिट किया हुआ है इधर

सर ये जो अमाउंट आ रही है सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग्स अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो ये एग्जैक्टली exactly आ रही है आपके पास थ्री सेवन थ्री वन ये आ गया आपके पास पोस्ट ये आपके पास नाइन हंड्रेड आ रहा था तो आप इसको भी बांट देंगे आ, जी सर ओ एल में हम कितने परसेंट थे ओ एल में हम कितने परसेंट थे दिस इज इंटरेस्टिंग तो सर ओ एल में हम लोगों ने कितने परसेंट एक्वायर किया था एग्जैक्टली सेवेंटी फाइव परसेंट थे तो में हम सेवेंटी फाइव परसेंट थे तो आई एम गोइंग टू स्प्रेड दिस सेवेंटी फाइव इन टू पेरेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट मैं दूंगा एन को तो सेवेंटी फाइव परसेंट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट हम देंगे तो ये अमाउंट हम लोग ले लेंगे लेथी जी के ये क्या अमाउंट है ओके सर मैंने सब्सिडरी पोस्ट को बांट दिया है सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट में सेवेंटी फाइव परसेंट बन रहा है ये और ट्वेंटी फाइव परसेंट बन रहा है ये okay? ओके इन द सेम वे जो सी एल सब्सिडरी थी हमारी उसमें इफेक्टिव परसेंटेज से मैंने पेरेंट और एमसीए का शेयर बांट लिया तो सब्सिडरी पोस्ट यहाँ पे अब मैं लिखूंगा तो प्लीज जरा देखिएगा कि सब्सिडरी पोस्ट क्या आ रहा है सर यहाँ से आ रहा है नाइन थर्टी थ्री आपके पास नाइन थर्टी थ्री एन टू ट्वेंटी फाइव ये आ रहा है जी सब्सिडरी पोस्ट और यहाँ से आ रहा है आपके पास थ्री सेवनटी सिक्स थ्री सिक्स आ रहा है

सर जो बैलेंस शीट में रिवॉल्यूशन सरप्लस था मेरा वो था सिक्स वन सेवन फाइव ये अमाउंट थी आपकी सिक्स वन सेवन फाइव और जो दूसरी तरफ ग्रुप रिटेन अर्निंग्स थी दैट वाज थर्टीन थाउजेंड थर्टीन थाउजेंड एंड जीरो फाइव फोर ये आ लें ये वैल्यूज भी आ गई अब सी जी के आगे क्या है एनसीए की वैल्यू कैलकुलेट करके लाते हैं यहाँ पे एनसीए की वैल्यू टोटल ये अमाउंट हो चुकी हैं इसका भी एक टोटल आ गया है ये भी टोटल आ गया है इसमें से ये अमाउंट माइनस हुई ये प्लस ये ये जो अमाउंट्स आ रही हैं ये एग्जैक्टली exactly आ रही हैं जी आप लोगों के पास मिला के सारी वैल्यूज़ को फोर दोनों मिला के फोर सिक्स ज़ीरो वन तो ये आ रही है जी फोर सिक्स ज़ीरो वन तो फ़ोर सिक्स ज़ीरो वन आप लोगों के पास एनसीए में ले जाएंगे आप लोग फोर सिक्स ज़ीरो वन

प्लस करना था आप लोगों ने 7900 नाइन हंड्रेड और 7900 नाइन हंड्रेड और इसमें से माइनस हम ऑलरेडी सिक्स uh, कर चुके हैं सेवेंटी नाइन हंड्रेड सिक्स वाला तो ये हमारे पास आ रहा है फोर सिक्स फोर सिक्स एट नाइन फाइव इन द सेम वे गुडविल जो है वो आप लोगों के पास जो ऑलरेडी गुडविल बुक्स में पड़ी हुई है वो वन सेवेंटी है कोई सब होगी कंपनी जिसकी ये गुडविल है प्लस ये फोर फिफ्टी भी आप लोगों ने लेके आनी है ये फोर फिफ्टी जो उसने कैलकुलेट करके आपको बोला था चार सौ पचास ये वाली आनी है प्लस आपने गुडविल सी एल की कैलकुलेट भी किया है विच इज़ वन फिफ्टी नाइन तो वन फिफ्टी नाइन भी आ जाएगी तो आपके पास वन फिफ्टी नाइन भी आ गई अब टोटल जो गुडविल आपके पास बन रही है दैट गुडविल इज़ एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो ये सेवन सेवन नाइन बन रही है तो ये गुडविल भी आ गई थी सेवन सेवन नाइन करंट एसेट्स एसेट्स देख लेते हैं दी। तीनों के करंट कंबाइन किए एक दो और तीन इसके अलावा तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं आ है यार आपकी ये टोटल साइड आ रही है, है। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आता होता है, तो ये का आता है सिर्फ पेरेंट का शेयर प्रीमियम भी सिर्फ पेरेंट का आएगा तो ये एट थाउजेंड आ रहा है जी कंसॉलिडेटेड रिटेन अर्निंग भी आ गई रिवेलेशन रिजर्व भी एन भी लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज बच्चों ये तीनों ऐड करेंगे उसमें से ये अमाउंट लेस होगी फोर सिक्स नाइन्टी फोर तो ये अमाउंट आएगी आपके पास टू सिक्स फाइव जीरो सिक्स तो ये अमाउंट आई आपके पास दैट्स इट गाइज और ये अब हम लोग टोटल कर लेंगे दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू सेवन थ्री 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 सिक्स आई होप गाइज ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा Stay blessed. Allah Hafiz.